नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीते दिनों थाना नर्मदा नगर के अंतर्गत सनावद रोड पर बोरदड़ गांव के पास एक यात्री प्रतीक्षालय के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव थाना नर्मदा नगर पुलिस ने बरामद किया था और उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच में जुट गई थी। तो ये एक तरह का अंधी हत्या का मामला सामने आया था और इसको लेकर थाना नर्मदा नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच शुरू की थी। तो इस मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरा मामला हम आपको बता देना चाहते हैं कि 8 जुलाई 2024 को सुबह 7:30 बजे चौकी पुनासा थाना नर्मदा नगर में सूचनाकर्ता पन्नालाल पिता कुल गौले ने निवासी बोरधड़ द्वारा सूचना दी गई कि पुनासा सनावद मेन रोड पर बोरधड़ फाटा यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति औंधे मुंह मृत अवस्था में पड़ा है, सिर में चोट के निशाने तथा खून से लथपथ है। इस सूचना पर थाना नर्मदा नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की थी। उपरोक्त सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्री मनोज राय के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री रविंद्र कुमार बोयट एवं थाना प्रभारी नर्मदा नगर निरीक्षक अशोक महाजन मौके पर पहुंचे और घटना स्थल को सुरक्षित कर मामले के अंदर जांच शुरू की। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पालन में घटना स्थल निरीक्षण हेतु FSL यूनिट के प्रभारी श्री सुनील मकवाना को खरगोन से तथा फिंगरप्रिंट प्रभारी गणेश पाटीदार को खंडवा से बुलाया गया और उनकी उपस्थिति में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अज्ञात मृत व्यक्ति के बारे में आसपास से जानकारी प्राप्त की गई, तब अज्ञात व्यक्ति की पहचान सेवल पिता रामदास जाति भिलाला उम्र 25 साल निवासी भैसावा थाना मुंदी के रूप में की गई, जो ओंकारेश्वर में झूला पुल के पास स्थित दुकान में फूल प्रसादी बेचने का काम करता था। मृतक को पत्थर से कुचलकर सिर में चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी। मृतक का PM कराया गया एवं मृतक के परिजनों के कथन लिए गए। संपूर्ण मर्ग जांच पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 8 जुलाई 2024 को थाना नर्मदा नगर में अपराध क्रमांक 192/24 धारा 103(1)(BNS) का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान परिजनों के कथन के आधार पर संदेही राकेश पिता श्रवण नायक उम्र 35 साल निवासी भैसावा थाना मुंदी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जो अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि 2-3 माह पहले उसे कंप्रेसर मोटर की चोरी का आरोप उस पर लगा था और उसी बात से मृतक दोस्त सेवल ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी बात को लेकर मन में रंजिश रखे हुए था। दिनांक 7/7/2024 को रात में आरोपी मृतक को साथ में लेकर मोटरसाइकिल से गाँव से निकलकर ओंकारेश्वर की ओर जा रहा था। रास्ते में दोनों शराब पिए और पुनासा सनावद रोड पर यात्री प्रतीक्षालय में आराम करने लगे। मौका देखकर आरोपी राकेश नायक ने सीमेंट कांक्रीट का पत्थर सिर में मार दिया, जिससे सिर में खून निकलने लगा और मृत्यु हो गई। आरोपी को दिनांक 9/7/2024 को गिरफ्तार किया गया तथा मृतक अनुसूचित जनजाति का होने से आरोपी एवं आरोपी OBC वर्ग का होने से प्रकरण में SC/ST एक्ट बढ़ाई गई है। पुलिस ने इस मामले के अंदर आरोपी राकेश पिता श्रवण नायक उम्र 35 साल निवासी भैसावा थाना मुंदी जिला खंडवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त प्रकरण को सुलझाने में सराहनीय भूमिका थाना नर्मदा नगर के थाना प्रभारी अशोक महाजन, सहायक उप निरीक्षक कड़वा राम यादव, सहायक उप निरीक्षक महेश श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक ब्रज किशोर कश्यप, प्रधान आरक्षक अरविंद बालके, प्रधान आरक्षक जितेंद्र मंडलोई, आरक्षक अनिल जाट एवं आरक्षक पुरुषोत्तम की सराहनीय भूमिका रही।